शाम होने वाली है और मैं फिर से उसी भोजपुरी मूवी के शूटिंग के लोकेशन पे हूँ और आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ जो इस मूवी के सेकंड लीड रोल निभा रहे हैं, यानी कि सेकंड हीरो कह सकते हैं हम। तो आज आपसे मिलाऊंगा उस एक्टर से जो अपना धांसू अंदाज में एंट्री करेंगे। तो पेश करते हैं हम मिस्टर चंदन राज। जैसा इनका मूवी में रोल है वैसा भी एंट्री है भाई साहब। तो चंदन भाई साहब, आप थोड़ा हमें बताएंगे कि हमारे दर्शकों को कि इस मूवी से पहले आपने क्या क्या किया है और इस मूवी को करने के लिए आपका कंसेप्ट क्या है, आपका रोल क्या है, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं चंदन राजकुमार। युविन अखिल जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, उन सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, नमस्ते है। रही बात मूवी की, तो ये मेरी थर्ड मूवी है। इसके पहले मैंने किया है जो बनकर दबंगई है, बनकर दबंगई है इसका कवली है, मेरी थर्ड मूवी है। मैं तेरे इश्क में मर जावा, बनकर दबंगई के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये करीब काफ़ी दिन हो गए हैं जब स्टार्टिंग पीरियड था मेरा। स्टार्टिंग पीरियड में आपको भी, आप सबको भी पता है कि कितनी सारी तकलीफ़ें आती हैं, कितनी सारी मेहनत करने पड़ते हैं। सो हमने किया, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक चल रहा था। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए, जैसे कि कुछ इश्यूज़ हो गए मेरे एकेडमी को लेके। मेरे इससे पहले मैंने डांस एकेडमी मेरी थी, पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं यार, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सब फिल्म एक्टिंग लाइन में आ रहा था। मैं सोचा चलो ठीक है, मैं भी एक्टिंग लाइन में आता हूँ, प्लस मेरा डांस भी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा नहीं अभी ज़्यादा सही हो जाएगा जी। तो फिर मैं सोचा, फिर प्लान किया, बनकर दबंगई मिली। बनकर दबंगई से मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया, खास करके अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, आज बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों का सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा उनका हाथ है। आज मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ या खड़ा होकर, जो भी आप देख रहे हैं जैसे। तो इसमें सबसे पहले मैं बंद कर दबंगई अभी मेरी बहुत जल्द रिलीज होने को आई है, जिसका डबिंग बाकी है। आप सबको भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, हर कोई इंसान परेशान है आजकल, तो थिएटर्स भी बंद हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो पिक्चर लेट हो गया। प्लस इश्क कबूल में मेरी ऑल ओवर कम्प्लीट है, उसका भी डबिंग चालू है। इश्क कबूल ये सेम लॉकडाउन का ही मैटर था, लॉकडाउन की वजह से ही फंसी है। और ये आपकी थर्ड मूवी, मेरी खुद की थर्ड मूवी है जो मैं तेरे इश्क में मर जावा। इसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि पूरी पूरा सेटअप लगा हुआ है और सब लोग भाग भाग के काम कर रहे हैं, मैं भी खुद भाग के काम कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर तक आपको ट्रेलर आउट करके हम दिखाने को कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक आपको ट्रेलर आउट करके दिखा दें। बिल्कुल। तो रही बात इस मूवी का कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर मेरा एक गांव का एक लड़का होता है, प्यार करता है एक लड़की से, अचानक में उसका ब्रेकअप हो जाता है और अचानक उसकी शादी हो जाती है। तो होता है ना जो मजनू टाइप हो जाते हैं, दारू पीना ये सब करना, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। ये सेम मेरा कैरेक्टर है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे निभा पाऊँ, जो आप सबको पसंद आए। वैसे मैंने भी सुना था कि इस मूवी का कंसेप्ट, मतलब और सब मूवी जो आती हैं उससे काफ़ी अलग है, और आई होप कि आप लोग का ये मेहनत सक्सेस में बदले, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल, COVID-19 चल रहा है, अभी एक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम रहा है जो फिल्मी दुनिया में थे, और उनका काम बिल्कुल ठप हो गया था। बिल्कुल सही बोले, 6 महीना हम घर पे बैठे थे, कोई काम धंधा नहीं। बहुत लोग ऐसे थे जो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोड पे आ गए थे। आप सब खुद देखे कि कितने सारे मजदूर बाहर आ गए थे, वही से सेम हमारा भी हालत था, जो नीचे लोअर वाले थे, जो जिनको पर डे का काम कर मिलता था, पर डे का रोजी रोटी चलती थी उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। हाँ, तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक्ट्रेस के लिए थोड़ा सा अब जाके खुशहाली वाला माहौल आया है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आई होप कि अपने वहाँ का ही लड़का कोई आगे बढ़ेगा, और जब भी मूवी का ट्रेलर आता है या फिर उसका कोई भी अपडेट आएगा तो मेरे इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धन्यवाद। थैंक यू।